दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लाइव एक्सपीरियंस अपना बताने वाला हूं, जो रियल एक्सपीरियंस है। दोस्तों रिसेंटली मैं भी पीएफ ऑफिस गया था, वहां पर एक मैटर हुआ है, वो मैटर क्या है आपको बताने वाला हूं। उस मैटर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, साथ ही दोस्तों आपको सुनकर मजा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि वो मैटर जो है ना कुछ ऐसा ही है, वो पीएफ ऑफिसर ने अपनी इच्छा से ऐसा किया है, उसका नॉलेज नहीं थी ये मैं कह नहीं सकता हूं, पर जो भी मैटर हुआ है वो आपको बताने वाला हूं। देखिए मैटर को आप सुनोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि जो ये ऐसे ऐसे इंसिडेंट है ना दोस्तों, ये होते रहते हैं बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ जिनको नॉलेज नहीं होती है। अभी दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उस काम की पहले नॉलेज लें, क्योंकि बिना नॉलेज के आप उस काम को करने के लिए जाओगे ना, हो सकता है आपको कोई बेवकूफ़ बना दे, आपको कोई परेशान करे, तो ये हो सकता है। तो चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या रियल घटना थी, शुरू से लेकर आखिर तक आपको बताने वाला हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। अभी दोस्तों मैं बताऊँ, मैं सबसे पहले गया पीएफ ऑफिस, अभी दोस्तों 2 दिन पहले की ही बात है, मैं पीएफ ऑफिस गया, मेरा कुछ जो ऑफलाइन विड्रॉल का काम था कुछ लोगों का, तो ऑफलाइन विड्रॉल पीएफ के लिए मैं गया था। मैंने वो ऑफलाइन विड्रॉल का जो फॉर्म सबमिट था वो सब कुछ करना था वो मैंने कर चुका था, साथ ही मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के कमेंट में आते हैं, उन क्वेश्चंस को वेरीफाई एंड जानकारी लेने के लिए मैं वहां पर अभी बैठा हुआ था पीएफ ऑफिसर के पास। दोस्तों ऐसे में इतने में क्या हुआ कि एक आदमी आया, एक आदमी के पास ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म था, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से वो अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना चाहता था पीएफ अकाउंट में, जिसमें कि दोस्तों 1 साल का गैप था। अभी दोस्तों वो आया, उसने पीएफ ऑफिसर को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो दिए, डॉक्यूमेंट चेक किए पीएफ ऑफिसर ने और उसने बोला कि इसमें तो 1 साल का ही गैप है, तो इसको आप ऑनलाइन करिए। अभी दोस्तों वो कह रहा कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समझे नहीं, उन्होंने कहा कि इसको ऑनलाइन करिए, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, यहाँ पे जमा नहीं होंगे क्योंकि आपका 1 साल का गैप है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप जॉइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन है। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो ईपीएफ का अपडेट आया था, आप जॉइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन ही भरा जा रहा है, ऑनलाइन भी आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करेक्शन कब कर सकते हैं ये चीज़ ईपीएफ ऑफिसर ने समझी नहीं, जानी नहीं, या पता नहीं जानबूझ कर ऐसा किया, ये मैं कह नहीं सकता, पर वो व्यक्ति को कहा कि आप इसको ऑनलाइन करिए, यहाँ पर नहीं होगा, उसके कागज वापस कर दिए। इतने में क्या हुआ दोस्तों, वो आदमी थोड़ा सा हड़बड़ाया, थोड़ा चिंता में दिखा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ पर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, परेशान था, तो वो कागज़ लेकर वापस जाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल रुकिए, आप ये बताइए कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पा रहे हैं, आप अपने पीएफ को चेक कर पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे, नहीं कर पा रहे पीएफ अकाउंट में? तो वो कहने लगे, बेटा कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे पीएफ में, हमने कहीं दुकानों पे दिखा लिया है, जनसेवा केंद्र हर जगह दिखा लिया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर रुकिए एक मिनट, रुकिए कागज़ मुझे दीजिए। कागज़ लेकर मैं वापस गया पीएफ ऑफिसर के पास, बैठा और अंकल सामने खड़े हो गए, वो अंकल की उम्र के थे थोड़े। तो फिर मैंने कहा पीएफ ऑफिसर से, अभी एक बात बताइए सर, जो ऑनलाइन डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर अपडेट किया गया पीएफ की तरफ से, इसमें हम करेक्शन कब कर सकते हैं? करेक्शन हम तब कर सकते हैं तब हमारे अकाउंट में लॉगिन हम हो पा रहे हो, और अकाउंट में लॉगिन होने के लिए हमारे पास हमारा पासवर्ड होना चाहिए, और पासवर्ड बनाने के लिए हमारा जो आधार कार्ड की डिटेल है हमारे पीएफ अकाउंट से मैच होनी चाहिए। अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ तो मैच नहीं है पीएफ के अकाउंट से, अभी अगर ये पासवर्ड बनाएंगे, अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो कैसे करेंगे? जब पासवर्ड ही जनरेट नहीं हो पाएगा, पासवर्ड ही नहीं बन पाएगा, तो फिर कैसे करेंगे ये बताइए? अगर आप इनके डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो कि ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन कर दीजिए इसको, यहाँ पर ना जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है, हम सबमिट करके रख लेंगे, यानी आपका जो रिसीव करके रख लेंगे पर हो नहीं पाएगा, तो इसका क्या मैटर है? अभी देखिए दोस्तों, ये सीखने वाली और समझने वाली बात है, आपको ये नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली। देखिए अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे तभी आप अपना करेक्शन कर पाओगे, अकाउंट में अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप करेक्शन करोगे कैसे? अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे तभी आप करेक्शन कर पाओगे जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से। अब अकाउंट में लॉगिन होने के लिए पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास आपके आधार कार्ड की डिटेल आपके पीएफ अकाउंट से मैच होनी चाहिए जब आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच की प्रॉब्लम आ जाएगी, पासवर्ड जनरेट ही नहीं होगा, और पासवर्ड जनरेट नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर सकते तो आप अपना जो पीएफ में करेक्शन ऑनलाइन वो कर नहीं सकते, उस केस में तो व्यक्ति ऑफलाइन ही जाएगा ना। अभी दोस्तों ऐसी बात हुई, फिर वो थोड़ा सा ऐसी गर्मी हो रही थी, ईपीएफ ऑफिसर ने फिर कहा चलो ठीक है, फिर उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट रिसीव किए और उन्हें कहा कि ठीक है सर, आपके 15 से 20 दिनों में ये आपका करेक्शन है ये कर दिया जाएगा। हालांकि समय कम होता है, जो माइनर करेक्शन होता है ना उसके लिए कम समय होता है, 7 दिन में हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 15 से 20 दिन में कहा कोई बात नहीं, आपका करेक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा होना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए हमें पता नहीं था, तो आपको पता था तो आपने कर दिया। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, देखिए आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, पता नहीं आपको कहां पर कैसे जरूरत पड़ जाए, तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो आप जानकारी लीजिए, जानकारी उसकी इकट्ठा करिए, आपको पता होना चाहिए हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, फिर देखना आपको कोई भी ना बेवकूफ़ बना पाएगा ना ही परेशान कर पाएगा, आप जवाब देना आ जाएगा, आपको समझ में आएगा क्या कर रहा हूं। तो इसलिए कहता हूं, देखिए आप अगर पीएफ अकाउंट होल्डर है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप
पीएफ के न्यू अपडेट, पीएफ की जानकारी, पीएफ को काम सीखना किस तरीके से, सारी मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ आप सबको। आप सबको अपना रियल एक्सपीरियंस जो भी होता है पीएफ के रिगार्डिंग, जो भी मैं काम आपको बताता हूँ दोस्तों, पहले मैं खुद करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर आप सबके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ जो जेन्युइन नॉलेज है ना वो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये हमारे लिए आपके लिए बोल रहा हूँ, इसमें हमारी मदद हो जाती है और आपकी भी मदद हो जाती है। अभी दोस्तों देखिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी कोई ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप सबको सिखाने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाऊं, तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख के नॉलेजेबल बन जाओ। तो ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं, मिलता हूं आप सबकी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय, जय हिंद।